उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रोडवेज बस स्टैंड तिराहे के नजदीक स्थित एकता सरोवर में अमृत योजना के तहत सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। कार्य की हकीकत को परखने के लिए डीएम पुलकित खरे जायजा लेने एकता सरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान सौंदर्यीकरण के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ ही अधीनस्थों को उन्होंने चेतावनी भी दी। दरअसल सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों को लेकर अक्सर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। ऐसे में डीएम लगातार एक्शन में हैं और जायजा कर हकीकत को परख कर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। आज भी डीएम पुलकित खरे ने एकता सरोवर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। उन्होंने मौके पर मौजूद नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी से सौंदर्यीकरण के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान डीएम ने कहा कि 2 अक्टूबर तक एकता सरोवर में सौंदर्यीकरण का कार्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने सरोवर के बीच फव्वारा लगाने तथा लाइटिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर निर्देशित किया है। डीएम ने शहर के बरेली दरवाजा का भी निरीक्षण किया, वहाँ स्थित दुकानों को हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने डमडमगंज चौराहे के नज़दीक स्थित रामस्वरूप पार्क का भी निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण की संभावनाओं को देखा। अमृत योजना के अंतर्गत आज फिर से 2 पार्कों का निरीक्षण मेरे द्वारा करा गया। एकता सरोवर और रामस्वरूप पार्क के नाम से 2 पार्कों को विकसित करा जा रहा है। यहाँ पे काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। यो नगर पालिका भी साथ में मौजूद थी, कार्यदायी संस्थाएं भी थी। यहाँ पे निर्देश दिया गया कि जितने भी काम योजना में स्वीकृत हैं उनको तत्काल पूर्ण कराया जाए और इनको पूर्ण कराते हुए उस स्वरूप दिया जाए कि शहरवासी यहाँ पे अपने परिवार के साथ आ सकें और एक अच्छा समय बिता सकें। लाइट लगने का काम है, बेंच लगने का काम है, कुछ झूले लगने का काम है, इंटरलॉकिंग का काम है। इस तरह के कार्यों को समयबद्ध तरीके से जल्दी पूर्ण करा के शहरवासियों को समर्पित किया।